नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रश्मि सचान और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो ये पुलाव बनाने के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई ली है। हम कढ़ाई में हम डालेंगे कुछ 2 बड़े चम्मच तेल, या अगर आपके पास चावल ज़्यादा हैं या आप सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसी हिसाब से तेल लीजिए। जब तेल एकदम अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ी हींग डालेंगे, 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म होगा तो तेल के कच्चे पैन की महक नहीं आएगी। और प्याज डालेंगे थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि ये चावल जब भी हम फ्राई करते हैं तो उसमें प्याज का जो स्वाद होता है बहुत ही अच्छा लगता है। अब सर्दियों का सीज़न है तो हम कुछ हेल्थ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सब्जियां भी डाल लेते हैं। तो मैंने मटर ले ली है और गाजर को मैंने छोटा छोटा काट लिया है, गाजर भी डाल दिया है, तो साथ ही डाल लिया है जिससे कि ये पक जाए और कोई भी चीज़ ज़्यादा ना जले या ज़्यादा ना गले, सब कुछ आसानी से और बराबर बराबर पक जाए। तो ये अच्छे से पक गए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ लाल मिर्च थी, मोटी वाली जो मिर्च होती है, लाल वाली, उसको मैंने यहाँ डाला हुआ है। कुछ हरी मिर्च भी ली है बारीक काटी हुई। अगर आपके पास लाल वो मोटी मिर्च नहीं है तो आप पूरी हरी मिर्च भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे, हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं, चाहे तो आप पूरा नमक अभी भी डाल सकते हैं स्वाद के अनुसार। तो इससे सब्जियाँ जो है वो गल जाएंगी, अच्छे से अपना पानी रिलीज कर देंगी। थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, 1/4 चम्मच। तो अब सब्जियाँ, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है सब्जियों को, क्योंकि सभी सब्जियाँ हम कच्ची भी खा सकते हैं। अब मेरे पास ये कुछ बचे हुए चावल हैं, आप ताज़े चावल भी ले सकते हैं, पर चावल अक्सर बच जाते हैं तो कोई नहीं खाता है, तो उनको इस बार इस तरह से बना कर देखिए। और ये सभी सब्जियाँ जो है हमारे यहाँ घरों में बहुत आसानी से उपलब्ध भी रहती हैं। अब इसको हम थोड़ा फ्लेम को बढ़ाकर इस तरह से चलाएंगे जिससे कि ये चावल ठंडे, अगर चावल हैं तो ये कुछ सॉफ्ट हो जाएंगे गर्मी में। तो इनको कुछ थोड़ा सा चला जरूर लीजिए आप, और नमक यहाँ पर चेक कर लीजिए। अगर नमक आपको लगे कम तो आप नमक यहाँ पर और डाल सकते हैं, अदरवाइज ये रेसिपी आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। लेकिन एक बार इस तरह से बनाकर देखिए, तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और सरल है, लेकिन खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। और थोड़ा सा डाल दिया मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता, और बस हमारे जो चावल या पुलाव है, ये बचे हुए रात के चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।